हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्क्वायर पज़ल। स्क्वायर पज़ल जो है IBPS PO प्रीलिम्स में आया था 8 तारीख को, और मे बी जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं कमिंग शिफ्ट में 14 तारीख 15 तारीख को, उनको भी ये पज़ल मिल जाए किसी न किसी शिफ्ट में। तो प्रैक्टिस हर तरह से पूरी हो जानी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, एक उसी तरह का पज़ल हम लोगों ने लिया है, लेकिन उस पज़ल का जो लेवल है उसको थोड़ा सा मतलब मॉडरेट किया है, क्योंकि यू नेवर नो, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जो आने वाला एग्ज़ाम्स है उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि IBPS को भी मालूम है कि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसा होता है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, आप लोगों को मालूम है कि पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा ईजी रहता है, देन सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम में हम लोगों ने अभी आया है स्क्वायर का ही एक पज़ल लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको हम लोग मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स लेवल का ही है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस किया है इसी तरह का तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग एक अप्रोच देखेंगे कि एग्ज़ाम प्रेशर में ये क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या एक अप्रोच आपका हो सकता है ताकि आपके 5 मार्क्स इसमें श्योर हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 8% नानिका, विराट, व्यामी, वैभव, नकुल, बीजी, नमिता एंड नरेश, ये नरेश है, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। फोर ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर वाइल फोर ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप पढ़िए, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था और जो क्वेश्चन आपका यहाँ है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑलरेडी दे दिया था उसमें आपको क्लियरली इंडिकेट कर रखा था कि 4 लोग जो अंदर की तरफ बैठे हैं वो चार कॉर्नर में जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, चार जो बीच में बैठे हैं टेबल के वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में क्या है कि आपका जो सवाल था वो थोड़ा इजी हो गया था, आप लोगों ने डायरेक्टली ऐसे जो है पजल बना दिए और उसमें से लोगों को जो 4 लोग बैठे हैं उसको बना दिया ऐसा बीच में, और जो बाहर की तरफ बैठे हैं उसको उसको बाहर की तरफ कर दिया, जो अंदर की तरफ बैठे हैं उसको अंदर की तरफ कर दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारा जो पजल है ऐसा हमको नहीं कह रहा है, हमको खुद से ही इसका डायरेक्शन निकालना है। ये इसका एक पॉसिबिलिटी है जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 बना कर रख लेते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी का केस आए तो हमको उस समय ना बनाना पड़े। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ तक तो स्टेटमेंट था, यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, ना तो वैभव ना तो नरेश, किसी का भी डायरेक्शन हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे नरेश को हम लेके चलते हैं। यहाँ पे नरेश को लेके चलते हैं। सपोज कीजिए कि नरेश अंदर की तरफ देख रहा है। अगर नरेश अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका फोर्थ टू द राइट क्या होगा, यहाँ पे वैभव हो जाएगा। यहाँ पे वैभव हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि नरेश यहाँ पे है, कोने से ही लेके चलते हैं हम, आप नरेश को कहीं भी पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे सर्कल में होता है ना नीचे से शुरू करते हैं, तो वैभव को हम लोग यहीं ऐसे कोने से शुरू कर रहे हैं। सपोज कीजिए नरेश बाहर की तरफ देख रहा है, इसका फोर्थ टू द राइट क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा। तो दोनों केसेस में वैभव यहाँ पे ही बैठेगा। आगे देख लीजिए, ओनली वन, ओके आगे यहाँ पे एक, वाणी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव। वाणी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, तो वाणी जो है कहीं भी है लेकिन इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, तो वैभव का तो डायरेक्शन हमको नहीं पता है, या तो वाणी यहाँ होगी या तो वाणी यहाँ होगी, कहीं भी हो सकती है। तो अभी हम लोग वाणी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, पहले और देख लेते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन नमिता एंड वैभव। देखिए वैभव यहाँ है, नमिता या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है, तो 2 डायग्राम है हमारे पास, तो हम लोग दोनों में बना लेते हैं। नमिता यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, दोनों हम लोगों ने बना लिया। चलिए ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बना लिया, ओनली 1% सीट बिटवीन नमिता एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमको दोनों का ही नहीं पता है। नमिता सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वीजी। नमिता सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वीजी। मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया, जब 8 लोगों का कोई भी पजल चाहे सर्कुलर चाहे स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो जब फोर्थ टू द राइट या फोर्थ टू द लेफ्ट आपको बताएगा तो ये दोनों अपोजिट में ही होने हैं, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब किधर से भी जाएंगे ये फोर्थ में ही आपका आएगा। नमिता
यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, नमिता सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ बीजी हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। तो बीजी तो कहीं पे भी मिडिल पे नहीं बैठा है, यहाँ पे भी नहीं बैठा है, यहाँ पे भी नहीं बैठा है, तो चलिए अभी तो आगे बढ़ना है। बीजी इज नॉट ए नेबर ऑफ नरेश, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नेबर नहीं है। एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब वीजी जो है ये सेंटर की तरफ देख रहा है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है कि वीजी जो है क्लियर सेंटर की तरफ देख रहा है। लेकिन अभी भी हमारा कोई जो है किसी पॉसिबिलिटी को हम आउट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नमिता सिट्स फोर्स टू द राइट ऑफ वीजी, अगर राइट में है अंदर की तरफ देख रहा है तो ये यहाँ से राइट हो जाएगा, अगर यहाँ है तो ये यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। वानी सिट्स एडजसेंट टू नमिता, वानी सिट एडजसेंट टू नमिता, वानी यहाँ हो सकती है, देन वानी यहाँ हो सकती है। यहाँ पे देखिए नमिता कहाँ है, यहाँ, वानी यहाँ हो सकती है या तो वानी यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है वानी। आगे देखिए यहाँ पे वानी है, कंफ्यूज मत होइए। आगे देखिए वानी इज एडजसेंट टू नमिता हु फेसेस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वानी, तो अभी वानी और नमिता दोनों का डायरेक्शन हमको नहीं मालूम है। नकुल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव, नकुल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि वैभव अंदर की तरफ देख रहा है तो नकुल कहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, नकुल अंदर की तरफ देख रहा है तो यहाँ। अभी सपोज कीजिए, एक तो हम लोगों ने सपोज किया कि नकुल अंदर की तरफ देख रहा है, वैभव अंदर की तरफ देख रहा है तो नकुल यहाँ हो जाएगा। एक सपोज करते हैं कि वैभव बाहर की तरफ देख रहा है तो नकुल कहाँ हो जाएगा, मेरा यहाँ हो जाएगा, नकुल यहाँ हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, वानी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था, वानी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, इमीडिएट राइट ऑफ वैभव। दोनों केसेस में वानी जो है इमीडिएट राइट है, जब वो अंदर की तरफ देख रहा है तो वानी यहाँ पे है तो वानी यहाँ का जो पॉसिबिलिटी है कैंसिल हो जाता है, जब वैभव बाहर की तरफ देख रहा है तो वानी यहाँ पे बैठी है तो यहाँ पे भी इमीडिएट राइट, तो वानी का जो ये पोजिशन है ये कैंसिल हो जाता है। तो वानी का पोजिशन हमको दो मिला है, मतलब अभी सभी का जो है दो पोजिशन हम लोग लेके चल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, विराट फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वानी। अभी वानी यहाँ है, इसका लेफ्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा विराट, यहाँ पे हो जाएगा विराट। अगर सेकंड टू लेफ्ट है मतलब वानी अंदर की तरफ देख रही है, अगर वानी यहाँ है सेकंड टू लेफ्ट है तो यहाँ पे एक डायरेक्शन बन रहा है सेकंड टू लेफ्ट, मतलब विराट यहाँ पे हो जाता है। अब ये कंडीशन भी हो गया सेकंड टू लेफ्ट ऑफ विराट। और क्या कह रहा है, विराट फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी, विराट जो है ये वानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। नकुल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव, नकुल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव, नकुल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव। यहाँ पे देखिए इमीडिएट लेफ्ट में है, यहाँ पे भी इमीडिएट लेफ्ट में है, विराट फेसेस द सेम डायरेक्शन, उन्होंने चाहिए तो कर लिया। नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ननिका, नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ननिका, ननिका का जो ये जगह हमारे यहाँ खाली है, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब ननिका जो है कहीं ना कहीं ये अंदर की तरफ देख रही है, नकुल हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो ननिका को यहाँ बैठाते हैं हम लोग। नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ननिका, सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि ननिका बाहर की तरफ देख रही है। ननिका हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज वीजी, ननिका जो है सेम डायरेक्शन है वीजी की तरफ, वीजी किधर देख रही है, किधर है, अंदर की तरफ, ननिका किधर है, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी तो सही है। यहाँ पे देखिए वीजी कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ, ननिका कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमको यहाँ पे बोल दिया है कि नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ननिका हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज वीजी, वीजी अंदर है तो ननिका को अभी हमको अंदर ही बैठाना पड़ेगा, राइट है। अभी हमारा सारा डायरेक्शन आई थिंक मिल गया, ये एक वैभव मिला यहाँ पे हमारा दिया हुआ था डायरेक्शन से रिलेटेड, वैभव सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, ओनली 1% सीट बिटवीन नमिता एंड वैभव बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो बोथ फेसिंग जो है ये सेम डायरेक्शन था, देन नकुल का हमारा बच जाता है,
नकुल, नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट। अच्छा, नकुल का तो हमको चाहिए भी नहीं क्योंकि एक बचा हुआ है और यहाँ पे हमको ऑलरेडी लिख रखा है फोर ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड फोर ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड आउटवर्ड। तो एक दो तीन चार, चार लोग तो बाहर बैठ चुके हैं, तीन लोग, एक दो तीन चार, चार लोग अंदर की तरफ बैठ गए। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये पजल बनाया बताया। इसमें देखिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि कमिंग शिफ्ट में जो है ये, इसमें थोड़ा सा आपको समझ सकते हैं कि आपको लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैंने शुरू में ही इस पजल को सॉल्व नहीं किया, मैंने थोड़ा सा टाइम आपको गैप दे रखा था आपको वीडियो पॉज करने के लिए कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन जो है ये है, अगर आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। जो लोग भी खुद से बना रहे हैं अपने कॉपी पे, वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसके बाद ये जो है ये आंसर है, मतलब ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन हम लोग इससे डिस्कस नहीं कर सकते, क्वेश्चन आप लोग खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, अगर आपका पजल बन जाता है तो क्वेश्चन आप लोग पांच नंबर ऐसे ही बना लेंगे। तो अभी बहुत सारे वीडियोज अपलोड करने बाकी हैं, पाई चार्ट डीआई, देन बार ग्राफ डीआई, देन लाइन ग्राफ डीआई, जो प्रियो लेवल प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं। तो ऑलरेडी स्लाइड्स रेडी है, मैं उसको अपलोड करने जा रहा हूँ और अभी इसके एक के बाद एक मैं ऑलरेडी अपलोड करूँगा। कल मैं नहीं कर पाया लोड सेटिंग की वजह से, बट आज मैं कर दूँगा। तो तुरंत इसके अपडेट्स पाने के लिए, चैनल वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सबसे ज़रूरी है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी खास टॉपिक में आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग उसको कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक को लेने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू।